नमस्कार। आज की क्लास का जो टॉपिक है यह है परिमेय संख्या का मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। कब परिमेय संख्या अपने मानक रूप में होता है या कोई भी परिमेय संख्या अगर दी गई है तो वह मानक रूप में है या नहीं यह हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए दो शर्त है। पहला है कि हर धनात्मक पूर्णांक हो, हर जो हो उसका वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरा है अंश और हर का मौसम एक हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ है वो होना चाहिए 1। आप देखते हैं कुछ उदाहरण। तो पहला ये उदाहरण रहे 3/4। तो पहला शर्त का हम चेक करते हैं कि क्या इसका हर धनात्मक है। तो हाँ, इसका हर देखिए धनात्मक पूर्णांक है, ये 4। और ये अंश और हर 3 और 4 का जब हम मौसम निकालते हैं तो 1 आता है। तो इस तरह से 3/4 अपने मानक रूप में है। दूसरा उदाहरण है -2/5। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि हर जो है ये धनात्मक है और ये -2 और 5 इसका जब हम मौसम निकालते हैं तो 1 आता है। तो ये -2/5 अपने मानक रूप में है। ठीक इसी तरह -3/7 भी अपने मानक रूप में है। अब एक और परिमेय संख्या लेते हैं 3/-8, है ना, 3/-8। तो क्या ये मानक रूप में है? तो हम देख चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करें, हर क्या धनात्मक है? नहीं, हर तो धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है। तो ये अभी अपने मानक रूप में नहीं है। एक और ले रहे हैं 4/6। तो यहां हर तो धनात्मक है लेकिन 4 और 6 का यानी अंश और हर का मौसम एक नहीं है बल्कि वह 2 है। तो यह भी अपने मानक रूप में नहीं है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई परिमेय संख्या दी हुई है तो उसे मानक रूप में हम कैसे बदलते हैं। तो यहां 4 उदाहरण ले रहे हैं, तो आइए हल करते हैं। पहला उदाहरण जो हमारा है वो है -8/6 का मानक रूप। आइए इसको बदलते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका हर तो धनात्मक है, पहला शर्त तो ये फुलफिल कर रहा है। तो अब और क्या इसमें हमें करना होगा, ये 8 और 6 अपने का मौसम एक नहीं है तो कितना है, आप निकालें इसका मौसम, है ना। ये आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा लेकिन फिर भी मैं यहां पर बता दे रहा हूं। ये अगर हम 6 से 8 में भाग दें तो 6 एका 6 आएगा, ये आ गया 2। फिर 2 से हम फिर 6 में भाग दे रहे हैं तो 2 तिहाई 6, ये 0 आ जा रहा है इसका शेष। अर्थात यहां पर जो इसका 6 और 8 का मौसा है ये 2 आया। तो अब इस मौसा से हम इसमें भाग दे देंगे अंश को भी और हर को भी, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3। अब ये अपने मानक रूप में आ गया। ये जो -4/3 है ना ये अपने मानक रूप में है। अब बी नंबर लेते हैं -12/30 का मानक रूप।
तो यहां भी हम देख रहे हैं हर जो है ये तो धनात्मक है ना, लेकिन ये 12 और 30 ये अपने लघुत्तम रूप में नहीं है, इसका मौसम एक नहीं है। तो आइए इसे भी हम अपने मानक रूप में लाते हैं। तो 12 और 30 का जब मौसम आप निकालेंगे तो ये आएगा 6, तो हम 6 से इसको भाग दे देते हैं, है ना। तो ये आ जा रहा है -2/5, ये अपने मानक रूप में आ गया। अब सी नंबर देखिए, ये है 16/-24। का मानक रूप, तो यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि इसका हर ये धनात्मक नहीं है, तो पहले इसको धनात्मक करेंगे। तो इसको धनात्मक करने के लिए क्या है ना, ये जो माइनस वाला चिन्ह है ना, इसको हम ऊपर अंश के साथ लगा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देख रहे हैं 16 और 24, इसका मौसम एक नहीं है, इसका मौसम कितना आता है आप निकाल के देखें, ये 8 आएगा। तो 8 से हम इन दोनों को भाग दे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2/3, है ना। तो ये अपने मानक रूप में आ गया। अब डी नंबर देखिए, -28/-35 का मानक रूप। तो यहां एक चीज हम देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों में ही माइनस है, तो इस माइनस को हम हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 28/35। अब हम क्या करेंगे, 28 और 35 का मौसम निकालेंगे। तो ये मौसम आप निकाल के खुद देखें, ये आएगा 7, और इस 7 से हम दोनों को अंश और हर को भाग दे देते हैं, तो ये आ जाता है 4/5। अब ये अपने मानक रूप में है। तो आशा है कि मानक परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है, इसके लिए क्या शर्तें हैं, और अगर कोई परिमेय संख्या दी हुई है जो मानक रूप में नहीं है तो उसे हम मानक रूप में किस तरह से बदल सकते हैं, यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।